अपने हाथ से हमारा प्रधानमंत्री गर्व होता है पैर साफ किया और पैर साफ करके जो गंदगी थी उसको अपने माथे पे लगाया। मायावती लगाई है क्या? जितने दलित नेता हैं, कोई दलित नेता किसी भी पूरे भारत को चैलेंज करता हूँ, दलितों का मसीहा वह है, दलितों का मसीहा वह। अकबरुद्दीन ओवैसी बोला था है ना कि हम 900 साल तुम्हारे ऊपर राज किए। अरे बेटा, राज किए हो तो हम मर्दानगी कहाँ चली गई कि औरतों के साये में छुपे हुए हो? आओ ना सामने, क्यों कंबल और रजाई में हो रहे हो? क्यों औरतों के सामने सिर्फ बुर्का पहनाओगे और बाकी सड़क पे छोड़ दोगे? मनीष सिसोदिया का समर्थन शाहीन बाग वालों को नहीं है, मनीष सिसोदिया का समर्थन है आतंकवादियों को। क्योंकि अगर रोड पर आकर आप बसों को जलाओगे, आप लोगों को गाड़ियों में आग लगाओगे तो आप कौन हो? आप देश के रक्षक तो नहीं हो, आप आतंकवादी। केजरीवाल झूठा आदमी है, फ्रॉड है, 420 आदमी है, उसका हर काम गलत है, एक भी काम अच्छा नहीं, एक भी काम सच्चा नहीं है। अब तो ये मिली भगत खिचड़ी है, ये ममता बेगम, मायावती, अखिलेश और राहुल और सोनिया गांधी की और मुलेश यादव, ये सारे चोर फ्रॉड पार्टी है। ये आदमी नहीं सुधरेगा और आदमी कामयाब नहीं बनेगा। चोर चोर मसेरे भाई, आज जनता सारी जागरूक है, आज हिंदुस्तान की जागृत, हिंदुस्तानी जागृत, सारे जागरूक है। ये लोगों का पर्दा पास हो गया, पर्दा पास आज भी हो गया, कल भी होगा, परसों भी होगा, तरसों भी होगा, नरसों भी होगा। जय हिंद भारत माता की और जय मोदी, घर घर मोदी और हर मोदी और घर घर। नमस्कार, मैं सुरभि सुमन राजधर्म के माध्यम से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा मुद्दा है कि कपिल मिश्रा जी का बड़ा बयान आया है कि 8 फरवरी को जो मतदान होने वाला है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है। तो यही जानने हम जनता के बीच आए। केजरीवाल जी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर एक बार भी बोले हैं? मैं इतनी जनता खड़ी है, एक एक जवाब दे दीजिए, हाथ उठा के आप दिखा दीजिए। सिर्फ सबूत मांगे हैं। जब भी राष्ट्रवाद या भारत, ये माँ जो हमको अन्न देती है, जल देती है, जो हमको इतना बड़ा की है, उसके बारे में उस आदमी का कितना बुरा ख्याल है या सोच के दिल रोता है। इसलिए कपिल मिश्रा की आवाज़ है, यह भारत पाकिस्तान होगा। उस चाइना को जवाब दिल्ली की जनता देगी है ना, इस देश को जवाब दे, उस पाकिस्तान को जवाब देगी, या जो 56 देश हैं जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं उनको जवाब देगी। ठीक है सर, इस बीच जो मनीष सिसोदिया ने कहा है कि शाहीन बाग में जो औरतें बैठी हैं आंदोलन करने के लिए, जो जैसा उनका मानना है कि वहाँ आंदोलन चल रहा है, आंदोलनकारी लोग बैठे हैं वहाँ पर, इस पर आप क्या कहोगे कि वो जो महिलाएं बैठी हैं उनका समर्थन कर रहे हैं? मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमारा समर्थन है उनके साथ, इतने दिनों तक वो चुप रहे, अब जब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तब ऐसा बयान आता है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, एक चीज़, जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ जामिया से, वहाँ लिखा था पहली बार खिलाफत 2.2। मैं दिल्ली की जनता से कहूँगा कि एक बार गूगल जाइए और आप जानिए कि खिलाफत 2.2 क्या है। जी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंसान और हिंदुत्व तेरी कब्र खुदेगी है ना, ए एम यू की धरती पर। उसको जब पहचानेंगे, उसको जानेंगे, तब इस देश में क्या चल रहा है। यह क्या कहते हैं कभी कभी आज शाहीन बाग में, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद नहीं है, हिंदुत्व है जी, आड़ है। वो हमने हिंदू धर्म के खिलाफ एक आड़ लेके है ना यह आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, इस देश में गजवाए हिंद का साजिश चल रहा है। जी बिल्कुल, ये तो अब साफ साफ दिख रहा है। और योगी जी का भी बड़ा बयान आया है कि जो प्रोटेस्ट कानपुर और लखनऊ में हो रहा है कि महिलाओं को आगे कर रहे हैं, तो उनका बयान आया है कि ये सारे मजनू छुप गए और लैलाओं को आगे कर रहे हैं 500 रुपए के लिए, इस पर क्या कहोगे आप? मजनू नहीं, ये दरअसल हैं तो हमारे ही औलाद, परिस्थिति बस हो गए मुसलमान, लेकिन हमारे ही खिलाफ लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं? इसीलिए जोगी जी ने जो कहा है ना, ये इनके, ये जो कल अकबरुद्दीन ओवैसी बोला था है ना कि हम 900 साल तुम्हारे ऊपर राज किए। अरे बेटा, राज किए हो तो हम मर्दानगी कहाँ चली गई कि औरतों के साये में छुपे हुए हो? आओ ना सामने, क्यों कंबल और रजाई में हो रहे हो? क्यों औरतों के सामने? इस्लाम के हिसाब से 3 चीज, औरत, पैसा
है ना। तीन चीज पर्दे की चीज है, क्यों और सिर्फ बुर्का पहनाओगे और बाकी सड़क पे छोड़ दोगे? कहाँ गई तुम्हारी मर्दानगी? वो 900 साल जो तुम राज किए हो, कहाँ गया वो ताकत? कहाँ गया? क्यों सलवार में छुपे हुए हो? कहाँ गया? आओ ना, जोगी जी ने दिखा दिया ना, चस्पा लगा हुआ है 5 लाख 7 लाख 10 लाख, क्यों लगा हुआ है? आओ सामने, हम भी तो खड़े हैं। यह दिल्ली की जनता यह जो कर रहे हैं इस देश को और इस संविधान को, और मैं उन दलित भाइयों से कहना चाहूंगा, एक नजीर पेश कर दीजिए पूरे देश में। आज आपको बता रहा हूँ, मोदी जी कुंभ का मेला चल रहा था, वह आदमी गया और गंगा में नहाया, और गंगा में नहाने के बाद सबसे पहले वह जहाँ जो जो कूड़ा फेंक रहे थे, लैट्रिन साफ कर रहे थे, जो गरीब लोग थे उनको बुलाया और 10 लोगों को बैठाया। अपने हाथ से हमारा प्रधानमंत्री, गर्व होता है, पैर साफ किया, और पैर साफ करके जो गंदगी थी उसको अपने माथे पे लगाया। मायावती लगाई है क्या? जितने दलित नेता हैं, कोई दलित नेता, पूरे भारत को चैलेंज करता हूँ, दलितों का मसीहा वह है, दलितों का मसीहा वह है, वह माथे पे लगाता है उस संविधान को। जब सबसे बड़ा, जब जो संसद में पहुंचता है तो सबसे बड़ा मंदिर है संविधान, उसको माथे पे लगाता है। आज तक कोई लगाया है क्या? उसके दिल में यह गरीब, यह दलित और वह संविधान बसता है। लेकिन उस संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर को लेके वहाँ जो धरना प्रदर्शन होता है, उनको कहना चाहता हूँ कि यह पहचानो, समझो और जानो यह देश किसको चाह रहा है। हम तुम्हारे दलितों तुम्हारे साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में योगेंद्र नाथ मंडल गए थे दलितों के साथ कि हम मुसलमानों के साथ रह के है ना एक अच्छा बनाएंगे, लेकिन मुसलमानों ने वहाँ से खदेड़ा और योगेंद्र नाथ मंडल वहाँ से भागे। वहाँ से लाखों दलितों को मुसलमान बना दिया गया, उनकी बहन बेटियों को उठा के और ले जाके मुसलमान बना दिया गया। वहाँ से भाग के आके वह भारत में शरण लिए, उनका पता नहीं चला। यह दलितों को समझ नहीं आ रहा है। कल मैं पूछता हूँ, अफगानिस्तान में बुद्ध की प्रतिमा थी जो दुनिया का सबसे बड़ा शांति का धर्म है, सबसे बड़ा शांति का धर्म है, वहाँ बुद्ध की प्रतिमा क्या कर रही थी? क्यों तोप लगा के अफगानिस्तान में तोड़ दिया गया? रोज हिंदुस्तान की बुद्ध हिंदू लड़कियों को उठा रहे पाकिस्तान। हाँ, क्यों तुमको दलित भाइयों, तुमको दलित भाइयों, तुमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि तोप लगा के तोड़ दिया गया, कल तुमको भी तोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर रोज 10 लड़कियों का मिट्टू मियां धर्म परिवर्तन करवा रहा है, और जो एनएन जो लागू हुआ है, CAA लागू हुआ ना, उससे हिंदू दलित बेचारे हिंदुस्तान के अंदर आएंगे, उनके बारे में कभी केजरीवाल कांग्रेस नहीं बोलते, वो दलित हिंदू, उनका भला होएगा ये CA लागू होने से। लेकिन इनको नहीं चाहिए, इनको तो बोलेंगे मोदी जी आप प्लीज सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दे दो ना, कन्हैया जो टुकड़े टुकड़े गए, या इंशाल्लाह इस देश के टुकड़े करेंगे चार उस कन्हैया की। सर, जो आदमी हमेशा सबूतों की बात करते पाया जाता है, जब उसके सबूत दिखाने की बात आती है तो कागजात खो जाते हैं, आग लग जाती है, ऐसे ऐसे वारदात हो जाते हैं, इस पर क्या कहोगे? वो हमने न्यायालय के अंदर सबूत बोल लिखा है, कोई बच्चों के सामने कहा, न्यायालय बोला है हमारा। नहीं सर, केजरीवाल की बात कर रही हूँ मैं, केजरीवाल की, इनके अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ चले? दिल्ली पुलिस जो इंडिया की सबसे टॉप पुलिस, और CBI और IB रा इंटेलिजेंस के अंदर अफसर होते हैं, और दिल्ली पुलिस से आते हैं, इतनी अच्छी पुलिस को जो वो ठुल्ला कह सकता है, तो कितना गिरा हुआ इंसान है। जो कन्हैया जैसे आदमी की हाईकोर्ट, दिल्ली का हाईकोर्ट बोलता है इसकी चार्जशीट पेश करो, चार्जशीट पेश करो, ये आदमी पेश ही नहीं कर रहा है। मनीष सिसोदिया का समर्थन साइनवर बाग वालों को नहीं है, मनीष सिसोदिया का समर्थन है आतंकवादियों को। क्योंकि अगर रोड पर अगर आप बसों को जलाओगे, आप लोगों को गाड़ियों में आग लगाओगे, तो आप कौन हो? आप देश के रक्षक तो नहीं हो, आप आतंकवादी हो मेरे हिसाब से। तो अगर आतंकवादी हो आप, तो आपको गोली मार देनी चाहिए, और उसके बाद भी ये फिर उसमें बवाल करेंगे पूरा कि हम वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर प्रोटेस्ट, इन सब का रिलेशन चुनाव से है क्या, क्या लगता है? पूरी तरह से चुनाव से होता है, सत्ता तो अगर आपके पास है तो आप कुछ भी करोगे। जैसे कांग्रेस का राज था अब तक, तो ऐसा जो आज पहली बार हुआ है, मतलब BJP की सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि राष्ट्रवाद एकदम से निकल के आया है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि सबको बोलने की आज़ादी है, जो ये आज़ादी की बात करते हैं। अगर आज़ादी नहीं होती तो सारे लोग अभी यहाँ पे दबा दी जाती सारी आवाज़। आपने देखा ना, इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम पे इमरजेंसी लगा दी थी, मैंने हिंदुओं की आवाज़ दबा दी, और कश्मीर पंडितों को जब निकाला गया तब किसी ने आवाज़ उठाई? मतलब एक तरफ से हमारा जो हिंदू भले ही मेजोरिटी में ज़्यादा था, लेकिन पूरी तरह से दबा हुआ था, लेकिन आज की डेट
में सब लोग बराबर हैं। आज अगर मुसलमानों को दबाया जाता तो ये इतने इस तरह से नाटक नहीं कर पाते। जो आम जनता है जो राजनीति से कोसों दूर है, लेकिन वो झेलती है इस चीज को क्योंकि वो हिंदू है, तो इस पे क्या कहोगे आप? आम जनता बिल्कुल झेलती है, लेकिन आम जनता तब भी झेलती है ना जब आप दंगा कर रहे हो, क्योंकि आम जनता का नुकसान होता है। मान लो कोई इंसान पूरी मेहनत करके बाइक खरीद कर लाता है, उसकी बाइक में आग लगा दे तो पैसा कौन देगा? उसने तो पूरी जिंदगी कमाई वहाँ पे कमाई लगाई थी, लेकिन आपने उसकी बाइक में आग लगा दी, आपने उसके घर जला दिया, आपने उसकी दुकानें तोड़ दी। इस तरह की जो चीज़ें होती है इससे जनता का नुकसान हो रहा है, आम जनता का नुकसान हो रहा है। साथ में हमें उन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो देशद्रोह की तरह काम करते हैं। मतलब अगर आप देश के झंडे का अपमान करोगे, आप देश की संस्कृति का अपमान करोगे, तो आप देशद्रोही हो। और इस तरह से एक कानून बनना चाहिए कि देशद्रोह के खिलाफ जो भी इंसान देश के खिलाफ बात बोलता है उस पर कानून बनना चाहिए इस, और उसका डिसाइड ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो हिंदू है मुसलमान है। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर वो इंसान देश की बुराई कर रहा है, अपने ही देश में रह रहा है, अपने ही देश की बुराई कर रहा है, अपने देश का अपमान कर रहा है, तब वो देशद्रोही है। हिंदू है या मुसलमान है इससे उसका कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि केजरीवाल झूठा आदमी है, फ्रॉड है, 420 आदमी है। सर केजरीवाल मैम, जो केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं वो ठीक है क्या? केजरीवाल जो राजनीति कर रहे हैं वो ठीक है क्या? वो नहीं ठीक नहीं, गलत है वो सारे, उसका हर काम गलत है, एक भी काम अच्छा नहीं, एक भी काम सच्चा नहीं है। अब तो मैं ये मिली भगत खिचड़ी है, ये ममता बेगम, मायावती, अखिलेश और राहुल और सोनिया गांधी की और मुलेश यादव, ये सारे चोर फ्रॉड पार्टी है। ये आदमी नहीं सुधरेगा और आदमी कामयाब नहीं बनेगा। चोर चोर मसेरे भाई। देश की जनता की तरफ से इन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप? देश की जनता चाहती नहीं लोग को, वो तो जबरदस्ती कह के मैं अच्छा हूँ अच्छा हूँ, कोई अच्छा नहीं है, एक पाँच छह में से एक भी अच्छा नहीं है, एक भी, सारे चोर फ्रॉड पार्टी है। जवाहरलाल खानदान से मार के तो गांधी परिवार और केजरीवाल, मायावती, ममता बेगम और अखिलेश और केजरीवाल, ये सारे चोर फ्रॉड है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ये सारे आतंकवादी है। जी मैम, और ये शाहीन बाग में जो चल रहा है इसके बारे में कुछ जानते हैं? यही करवा रहे हैं, यही करवा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि समर्थन करते हैं, ये समर्थन यही करा रहे हैं। सारे खर्चा ये भेजे हैं, खर्चा कौन भेज रहे? राहुल भेज रहा, अजय माखन भेज रहा, शत्रुघ्न सिन्हा भेज रहा खर्चा। चुनाव से संबंध है इसका? शत्रुघ्न सिन्हा पैसा भेज रहा, अजय माखन भेज रहा पैसा खर्चा लोगों का, और राहुल भेज रहा, सोनिया गांधी भेज रही खर्चा, और जो बांद्रा है ना बांद्रा वो खर्चा भेज रहा उसका, ये लोगों का 500-500 हजार रुपया जो भी खर्चा वो दे रहा है। तुम करो हंगामा करो, हम आपके पीछे। तो मेरी जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, आज जनता सारी जागरूक है, आज हिंदुस्तान की जागृत, हिंदुस्तानी जागृत जागरूक है। ये लोगों का पर्दा पास हो गया, पर्दा पास आज भी होगा, कल भी होगा, परसों भी होगा, तरसों भी होगा, नरसों भी होगा। आज ये लोगों का पर्दा पास नहीं था जब तक जनता को गुमराह करते थे, आज गुमराह जनता नहीं होने वाली है, ना होने वाली रहेगी। आज जनता पूरी हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो चुकी, इतना समझ लो। जय हिंद भारत माता की, और जय मोदी, घर घर मोदी, और हर मोदी, और घर घर मोदी। ठीक है, धन्यवाद।